डिजिटल साक्षरता संस्थान सिहारा परिसर में विशेष दिव्यांगों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। साथ ही दिव्यांगों को भारत सरकार की सिब्दा योजना में ट्रेनिंग ले चुके लाभार्थियों को प्रमाण पत्र डॉक्टर मनोज वर्मा, मुकेश रस्तोगी, विपिन द्वारा वितरित किए गए। इसमें अलग अलग 17 कंपनियों ने हजारों युवाओं का इंटरव्यू लिया। मेले में दिव्यांगजन व बेरोजगार युवा युवतियों की भीड़ दिन भर उमड़ी रही। विभिन्न कंपनियों ने दिव्यांगों व युवाओं को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए। जॉब ऑफर लेटर पाकर दिव्यांगों के चेहरे खुल उठे। रोजगार मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर किया गया। उक्त अवसर पर दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा सिब्दा योजना का संचालन कर दिव्यांगों को रोजगार स्वरोजगार देने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को ट्रेनिंग देकर रोजगार स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रबंधक रवि सैनी, डॉक्टर मनोज वर्मा, मुकेश रस्तोगी, विपिन, प्रासु नेगी, धर्मरियम जैदी, शिवम कुमार, अमित आदि मौजूद रहे। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेले का आयोजन किया जा रहा है, कौन सी संस्था के द्वारा किया जा रहा है? डिजिटल रवि सैनी बात कर रहा हूँ कि डिजिटल साक्षरता संस्थान के प्रबंधक। आज हमने एक रोजगार मेले का आयोजन किया है जिसमें हमने सिब्दा योजना के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग कराई। पहले उस ट्रेनिंग के बाद आज उनको ट्रेनिंग के बाद उनका एक प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो जिसके माध्यम से रोजगार के माध्यम से उनको प्लेसमेंट कराया जाएगा। ठीक है, तो अब अगला आज उनका एक रोजगार मेला लगाया जिसमें 220 कंपनियों ने पार्टिसिपेट लिया। 220 कंपनी 20 अच्छा, तो किस बेस पे जॉब मिलेगी दिव्यांगों को? उनको जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग की है जैसे रिटेल सेक्टर में और आपके अदर उनका कम्युनिकेशन स्किल है जो, ठीक है, उस बेस पर उनको जॉब दी जा रही है।